हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और सब्जेक्ट हमारा इसमें है ओटी टेक्निक्स एंड सीएसएसडी टेक्निक। ये हमारा सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, यानी कि फाइनल ईयर का, यानी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसका ये पेपर है। और ये जो है डिपार्टमेंटल पेपर है, तो ये सेकंड पेपर के तौर पे आता है और कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर के नाम से आता है। ये टोटल 75 मार्क्स का होता है और इसमें सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इन एडल्ट फीमेल विथ साइज ऑफ ईटी ट्यूब इज यूज्ड, यानी जो एडल्ट फीमेल हैं उनमें जो इंडोट्रैकियल ट्यूब है वो किस साइज का इस्तेमाल किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 8.5, दूसरा 7.5, तीसरा 8 और चौथा 7। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 7.5। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक इज यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, यानी कि कौन सा इसमें से इन्हेलेशनल एजेंट्स है, यानी वेपोराइजर है, जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट में यानी बच्चों में यूज किया जाता है। पहला है आइसोफ्लुरेन, दूसरा है सीवोफ्लुरेन, तीसरा है हेलोथेन, चौथा है डेस्फ्लुरेन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सीवोफ्लुरेन, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो प्लीजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन हर्निया, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से बताना है कि कौन सी हर्निया सबसे सामान्य तौर पर पाई जाती है, यानी मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सी है। पहला फीमोरल, दूसरा इंग्वाइनल, तीसरा हियाटस, चौथा ऑब्ट्यूरेटर हर्निया। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इंग्वाइनल हर्निया। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिक इंसीजन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इंसीजन तिरछा इंसीजन यानी ऑब्लिक इंसीजन है। पहला ऑप्शन है फेनेंस्टाइल इंसीजन, दूसरा मिडलाइन इंसीजन, तीसरा मैकबर्नी इंसीजन यानी एमसी बर्नी इंसीजन, चौथा लेंज इंसीजन। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन मैकबर्नी, या कह सकते हैं एमसी बर्नी इंसीजन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर एमएनजी मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सर्जरी, यानी अगर किसी को मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो गया है, जिसे आप घेंघा कहते हैं, तो उसमें कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है टोटल थायरॉइडेक्टोमी, दूसरा सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी, तीसरा हेमीथायरॉइडेक्टोमी, चौथा हार्टली डनहिल प्रोसीडर। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन टोटल थायरॉइडेक्टोमी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन है, GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल यूज्ड इन साइकाइट्रिक, तो ये जो GCS स्केल है उसका मेनली यूज करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी ट्रॉमेटिक पेशेंट में, ठीक। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, साइकाइट्रिक पेशेंट में GCS स्केल का यूज नहीं करते हैं। अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज नॉन एज ड्यूरा मैटर, तो ब्रेन का सबसे अंदर का जो लेयर है, जो मेनिंजियल लेयर आपने सुना होगा, वो पाया मैटर होता है, ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, केयर इंसिजन इज यूज्ड इन LSCS, तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी की जाती है उसमें जो है फेनेंस्टाइल के, या कह सकते हैं प्यूबिक इंसिजन लगता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोला इज रिमूव्ड इन टोटल मैस्टेक्टोमी, तो जो टोटल मैस्टेक्टोमी होता है, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होता है, उसमें एरियोला भी रिमूव किया जाता है, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, और वो है जॉल्स रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन थोरेकोटॉमी, तो थोरेकोटॉमी में हमारा जॉल्स रिट्रैक्टर यूज नहीं होता है, जॉल्स रिट्रैक्टर थायरॉइडेक्टोमी यानी थायरॉइड रिमूवल सर्जरी में यूज होता है। अगर कहें थोरेकोटॉमी में, तो इसमें हमारा एक एलिसन रिट्रैक्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है लंग को रिट्रैक्ट करने के लिए, और एक होता है फिनोचीटो रिट्रैक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है, और ये तीसरा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, TURP स्टैंड्स फॉर, TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सेकेंड क्वेश्चन है, रिट्रैक्टर यूज्ड फॉर रिट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज, कौन सा रिट्रैक्टर लंग्स यानी फेफड़े को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारा एलिसन रिट्रैक्टर है। थर्ड क्वेश्चन है, LSCS स्टैंड फॉर, तो LSCS का फुल फॉर्म होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, ABG स्टैंड फॉर, तो ABG का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैसेज।
फिफ्थ क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइडेक्स इज, तो साइडेक्स का केमिकल कंपोजिशन है 2% ग्लूटराल्डिहाइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन करना है। पहला है BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में लिखना है। दूसरा है DNS यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में लिखना है। तीसरा है EDS यानी एपिड्यूरल हिमाटोमा, इसके बारे में लिखना है। चौथा है एनेस्थीसिया मशीन का एक डायग्राम बनाना है और उसका नाम भी उसमें मेंशन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हेमेरॉयड यानी जो बवासीर होता है, पाइल्स होता है, उसके बारे में लिखना है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 10 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन 4 ही करना है। पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट एनी 10 सर्जिकल इंसिजन विद डायग्राम ऑल्सो, 10 सर्जिकल इंसिजन के बारे में लिखना है प्लस में डायग्राम भी बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हर्निया, राइट इन डिटेल अबाउट हर्नियोप्लास्टी, हर्निया क्या है और हर्नियोप्लास्टी के बारे में डिटेल में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हर्निया, राइट इन डिटेल अबाउट हर्नियोप्लास्टी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कि हर्निया क्या है, हर्नियोप्लास्टी क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज गॉल स्टोन यानी जीवी स्टोन, आपने सुना होगा वो क्या होता है। और राइट इन डिटेल अबाउट कोलसिस्टेक्टोमी, जीवी रिमूवल सर्जरी को कोलसिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो आपको गॉल स्टोन के बारे में लिखना है कि पित्ताशय की पथरी क्या है और जो जीवी रिमूवल सर्जरी है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मैस्टेक्टोमी, राइट इन डिटेल अबाउट MRM यानी कि मैस्टेक्टोमी क्या है और MRM यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी जो होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है, यानी कि ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट सीआरएम विद अ लेबल डायग्राम, सीआरएम मशीन जो है एक्सरे मशीन है उसके बारे में लिखना है प्लस में उसका अच्छा सा डायग्राम बनाना है। सिक्स क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट ओरिफ, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन जो सर्जरी है जो कि ब्रोकन बोन के लिए यानी टूटी हुई हड्डियों के लिए किया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में लिखना है और हो सके तो डायग्राम भी मेंशन कर देना है। अब हमारा ये सेकंड पेपर है और ये फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट का पेपर है सेकंड ईयर का और ये हमारा कॉमन का पेपर है, इसमें मेडिसिन और नर्सिंग के बारे में है सारा। तो पहला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें पहला है ब्रीदिंग इन अपराइट पोजीशन इज नॉन एज, यानी कि अगर आप बैठ के अपराइट पोजीशन में सांस लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें राइट आंसर होगा C ऑप्शन ऑर्थोपिनिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी जो बीमारी है जिसे हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग जिसे कह सकते हैं, ये जो है ट्रांसमिट कैसे होती है, एक से दूसरे लोग को कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो सबसे कॉमन मोड कौन सा है। तो राइट आंसर होगा B ऑप्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी हो रखा है हाथ में पैर में और वो आपको टच करता है या आप उसमें टच होते हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको भी लेप्रोसी हो जाएगा, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ पेशेंट इज मेजर्ड बाई, ऑक्सीजन का लेवल कितना है मरीज के शरीर में ये नापने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो D ऑप्शन राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज, तो टाइफाइड फीवर कैसा है, तो रेमिटेंट है, तो राइट आंसर होगा B ऑप्शन यानी रेमिटेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अस्कल्टेशन इज, तो अस्कल्टेशन के लिए अस्कल्टेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन है डिस्पनिया यानी जो डिस्निया है इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन का सिम्टम है डिस्निया, आपको जो है ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सेकेंड क्वेश्चन है टर्म मेलिग्नेंसी इज रिलेटेड टू कैंसर, तो ये हमारा राइट है क्योंकि मेलिग्नेंसी जो है वो कैंसर ही है एक तरह का, ठीक है, यानी मेलिग्नेंसी टर्म जो है वो कैंसर से ही रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ एडल्ट फीमेल इज 24 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि एडल्ट फीमेल का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 24 to 30 नहीं होता है, ये हमारा जो है 16 to 20 जो है नॉर्मली माना जाता है या 12 to 16 कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, तो 12 to 20 आप जो है एवरेज ले सकते हैं।
चौथा है ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, वायरल भी होता है, फंगल भी होता है, और तो बहुत कारण है इसके। तो ये हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है। ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो जो हमारा पेनक्रियाज का अल्फा सेल होता है वो मेनली जो है ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है COPD स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो COPD है, जो एक बीमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये किस तरह का बीमारी है, यानी सॉरी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमनरी डिजीज। तो इसका आप लिख सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमनरी डिजॉर्डर, या कह सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमनरी डिजॉर्डर। सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज। तो एडल्ट का नॉर्मल जो सिस्टोलिक है, आपने 120/80 याद किया होगा, तो 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। तो नॉर्मल कितना हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक एडल्ट का, तो 120। थर्ड क्वेश्चन है ब्लड इन स्प्यूटम इज कॉल्ड। तो अगर आपके स्प्यूटम में, यानी गले से देखते हैं कि बहुत बलगम निकलता है, ठीक है, तो उसके साथ ब्लड आए तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हीमोप्टाइसिस, यानी हीमोटाइसिस कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल DPT स्टैंड्स फॉर, DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिप्थेरिया परट्यूसस, जिसे आप ऊपिंग कफ कह सकते हैं, और टी से टेटनस। फिफ्थ क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज डन फॉर, विडाल टेस्ट मेनली टाइफाइड के लिए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 6 हैं तो 4 करना है, टोटल 20 मार्क्स के, यानी 20 नंबर के होंगे। पहला है टाइफाइड, यानी टाइफाइड के बारे में लिखना है। सेकेंड है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी IM इंजेक्शन के बारे में। थर्ड है नेबुलाइजेशन। फोर्थ है न्यूमोनिया। फिफ्थ है रिंगल लैक्टेट, यानी RL, जो कि एक तरह का IV फ्लूड है और क्रिस्टलॉइड है। सिक्स्थ क्वेश्चन है पल्स। तो इन 6 में से जो आपको 4 आ रहा है वो 4 आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, ये टोटल 40 मार्क्स के होंगे। पहला है डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का क्या लक्षण होता है, क्लिनिकल फीचर क्या है, क्या टाइप है, कितने टाइप के होते हैं, और कैसे इसको मैनेज करना है, ट्रीट कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है और जनरल क्या क्या एग्जामिनेशन पेशेंट को करवाने को कहना है, वो आपको यहाँ पे जो है अच्छे से डिटेल में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कसेस डिग्री ऑफ बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि बर्न क्या होता है, उसका डिग्री क्या क्या है, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये जो है इसके बारे में लिखना है। पर जो बर्न है उसका डिग्री लिखने के बाद आपको उसका मैनेजमेंट भी लिखना है, यानी अगर कोई जल जाते हैं तो कितना जला है, कितने परसेंटेज में जला है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फीवर एंड हाउ विल यू डू टेम्परेचर चार्टिंग, यानी कि फीवर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और आप टेम्परेचर चार्टिंग कैसे करेंगे, ये आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कसेज IV थेरेपी यानी इंट्रावेनस थेरेपी टाइप्स प्रोसीडर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, यानी IV थेरेपी जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, और इसका जो है क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट आर चीफ कॉम्प्लिकेशन एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला इसमें आपको दिखता है कि हाइपरटेंशन जिसको है, हाई BP जो है, उसको बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो जो चीफ कॉम्प्लिकेशन है वो लिखने हैं, और क्या क्या उनको खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये भी आपको मेंशन करना है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी इसमें इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, और ये सारे क्वेश्चन अक्सर जो है एक दूसरे क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे, तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेन करते हैं, और ये जितने क्वेश्चन हैं सबका वीडियो मैंने, जो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप आंसर का है, वो सबका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं।